गाइस का आपका बजट 30,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए तक के अराउंड है और आप इस प्राइस रेंज में एक बेहतरीन परफॉर्मेंस वाला लैपटॉप खरीदने की सोच रहे हैं जिसमें आप नॉर्मल फोटो एंड वीडियो एडिटिंग, ऑफिस वर्क, ऑनलाइन लर्निंग या एवरीडे के टास्क कर सके, तो आज के इस वीडियो में हम Acer Expire 3 और Lenovo V15 लैपटॉप के बीच कंपैरिजन करेंगे जिनमें इंटेल और AMD के नेक्स्ट जनरेशन के प्रोसेसर के साथ कई एडवांस फीचर्स दिए गए हैं। आप इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक पूरा देखना क्योंकि इस वीडियो में आपको इन लैपटॉप्स की स्पेसिफिकेशंस एंड परफॉर्मेंस के बारे में पूरी जानकारी दूंगा जिससे आप ये डिसाइड कर सकेंगे कि इनमें से कौन सा लैपटॉप आपके डे टू डे के टास्क के लिए राइट चॉइस रहेगा। सो विदाउट वेस्टिंग मोर मोमेंट्स लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस चलिए सबसे पहले बात करते हैं लैपटॉप के प्रोसेसर के बारे में। तो Acer के Expire 3 में AMD का लेटेस्ट 7000 सीरीज का Ryzen 3 7320U प्रोसेसर देखने को मिलता है और ये क्वाड कोर प्रोसेसर है जो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ तक की बेस क्लॉक स्पीड से लेकर 4.1 गीगाहर्ट्ज़ तक की मैक्सिमम क्लॉक स्पीड पर रन करता है और इसमें 4 कोर्स 8 थ्रेड्स और 4 MB की L3 कैश मेमोरी दी गई है। और वही Lenovo के V15 में इंटेल का 12th जनरेशन का कोर i3 1215U प्रोसेसर का सपोर्ट दिया गया है और गाइस एक इंटेल एल्डर लेक सीरीज का प्रोसेसर है और इसमें 0.9 गीगाहर्ट्ज़ की बेस क्लॉक स्पीड दी गई है जिसे 4.4 गीगाहर्ट्ज़ तक मैक्सिमम बूस्ट कर सकते हैं। और इस प्रोसेसर में 6 कोर 8 थ्रेड्स और 10 MB की L3 कैश मेमोरी मिलती है। और अगर फ्रेंड्स मैं इन दोनों प्रोसेसर को कंपेयर करूँ तो हमें इनके कोर्स कैशेस एंड क्लॉक फ्रीक्वेंसीज में काफ़ी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं जिससे आपको इन दो लैपटॉप की परफॉर्मेंसेज में काफ़ी गैप देखने को मिलेगा। और इनके बेंचमार्क स्कोर के बारे में बताऊँ तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि इन दोनों प्रोसेसर के बेंचमार्क स्कोर में कितना डिफरेंस रहने वाला है। एंड वेल टू बी ऑनेस्ट गाइस सिंगल और मल्टी कोर दोनों में ही आपको Lenovo के इंटेल कोर i3 प्रोसेसर में काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी जिससे आप नॉर्मल फोटो एंड वीडियो एडिटिंग, ब्लॉगिंग, अकाउंटिंग, ऑनलाइन लर्निंग या ऑफिस से रिलेटेड टास्क Lenovo के लैपटॉप में काफ़ी स्मूथली कर सकेंगे Acer के लैपटॉप के मुकाबले में। और ग्राफिक कार्ड के बारे में बताऊँ तो Acer के Expire 3 में AMD का Radeon i ग्राफिक कार्ड का सपोर्ट दिया गया है एंड ऑन द अदर हैंड गाइस Lenovo के लैपटॉप में इंटेल का UHD i ग्राफिक कार्ड प्रोवाइडेड है जिससे आप इन लैपटॉप में सिर्फ कैजुअल गेमिंग कर सकते हैं। पर गाइस बता दूं ये लैपटॉप हैवी गेमिंग करने के लिए बिल्कुल भी कंपेटेबल नहीं है इसलिए आप इनको हाई लेवल्स पर गेमिंग करने के लिए बाय ना करें। लैपटॉप के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इन दोनों लैपटॉप में प्रीलोडेड विंडोज 11 होम सिंगल लैंग्वेज आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलती है विद लाइफ टाइम फ्री लाइसेंस जो काफ़ी अच्छी बात है। पर ये लैपटॉप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सब्सक्रिप्शन के साथ नहीं आते हैं। और रैम की बात करूँ तो Acer में 8GB की सिंगल LPDDR4 रैम का सपोर्ट मिलता है और ये तो ऑनबोर्ड रैम है जिससे आप इसे चेंज या अपग्रेड नहीं कर सकेंगे जबकि Lenovo के लैपटॉप में 8GB की DDR4 रैम दी गई है जिसे आप फ्यूचर में 16GB तक अपग्रेड कर सकते हैं। तो एक तरफ लेटेस्ट जनरेशन की रैम के साथ Acer का लैपटॉप विनर है और वहीं दूसरी ओर Lenovo का लैपटॉप रैम के मामले में आपके लिए कंप्लीट फ्यूचर प्रूफ फील रहेगा। और स्टोरेज ऑप्शंस में यहां पर Acer का लैपटॉप 256GB की Gen 4 SSD स्टोरेज के साथ आता है जबकि Lenovo के V15 में 512GB की Gen 3 SSD स्टोरेज ड्राइव का सपोर्ट रहने वाला है जिससे इन दोनों लैपटॉप की रीड एंड राइट की स्पीड काफ़ी फास्ट रहेगी और आपको इनमें फास्ट बूट टाइम, फास्ट एप्लीकेशन लोडिंग टाइम और बेटर सिस्टम रिस्पॉन्सेस देखने को मिल जाएगी। पर स्टोरेज कैपेसिटी के मामले में Lenovo का लैपटॉप आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेगा। और चलिए गाइस अब बात करते हैं लैपटॉप के डिस्प्ले के बारे में। तो Acer के लैपटॉप में 15.6 इंचेस का फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। Acer ने इसमें TFT LCD पैनल दिया है और इसके डिस्प्ले का एस्पेक्ट रेशियो 6:9 तक का रहने वाला है। और वही Lenovo के V15 में 15.6 इंचेस का फुल HD TN डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है वो भी 250 निट्स तक की पिक ब्राइटनेस एंड 45% एंटी-एलियासिंग कलर गैमेट के साथ। और इस लैपटॉप के डिस्प्ले में 2-sided नैरो बेजल्स दिए गए हैं और इन दोनों डिस्प्लेस में इंडोर यूज के हिसाब से काफी डिसेंट कलर्स एंड ब्राइटनेस रहने वाली है जिससे आप नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम पर कंटेंट को काफी अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकेंगे। और वैक्यूम के बारे में बताऊं तो Acer हमें 720 पिक्सल्स वाला HD वैक्यूम प्रोवाइड करता है वो भी इंटीग्रेटेड माइक्रोफोन्स के साथ। और वहीं Lenovo के V15 में भी 720 पिक्सल्स वाला HD वैक्यूम है वो भी इंटीग्रेटेड माइक्रोफोन्स के साथ है जो आपकी Zoom पर वीडियो कॉलिंग्स एंड मीटिंग्स के लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगे और इसी के साथ आप इन्हें वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर ये वैक्यूम PVC शटर के फीचर के साथ नहीं आते हैं। और वायरलेस कनेक्टिविटी की बात करूँ तो Acer के लैपटॉप में Wi-Fi 5 ब्लूटूथ 5.1 वर्जन का सपोर्ट मिलने वाला है और वहीं Lenovo में हमें Wi-Fi 5 ब्लूटूथ 5 वर्जन देखने को मिलता है। तो इन लैपटॉप में काफ़ी डिसेंट कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी और आप इनमें अपने सभी तरीके के वायरलेस डिवाइसेस कनेक्ट कर सकेंगे। और स्पीकर में आपको यहाँ पर इनमें डुअल स्टीरियो
स्पीकर्स का सेटअप देखने को मिल जाएगा। और चलिए अब जानते हैं दोनों लैपटॉप की बैटरीज के बारे में। तो आपको इन दोनों लैपटॉप में 3-4 आवर्स तक का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। एसर में 40 वॉट की बैटरी दी गई है और लेनोवो में 38 वॉट की बैटरी लगी मिलती है। और टॉप की बात करें तो एसर के लैपटॉप में 1 चार्जिंग पोर्ट, 1 USB Type-C पोर्ट, 2 USB Type-A पोर्ट, 1 HDMI पोर्ट और 1 3.5mm का ऑडियो जैक देखने को मिल जाएगा। जबकि लेनोवो के लैपटॉप में 1 चार्जिंग पोर्ट, 1 Ethernet पोर्ट, 1 USB Type-C पोर्ट, 2 USB Type-A पोर्ट, 1 HDMI पोर्ट और 1 3.5mm का ऑडियो जैक दिया गया है। और वेट के मामले में दोनों लैपटॉप सेम ही वेट के साथ आते हैं। एसर का 1.78 kg है और लेनोवो का 1.7 kg तक का है। और लैपटॉप के अदर फीचर्स की बात करें तो एसर और लेनोवो के लैपटॉप में फुल साइज के नॉन बैकलाइट कीबोर्ड देखने को मिलते हैं, वो भी न्यूमेरिकल कीपैड के साथ। और इसी के साथ इनमें फिंगरप्रिंट रीडर के फीचर्स भी प्रोवाइड नहीं किए गए हैं। कंपैरिजन से पता चलता है कि हमें इन दोनों लैपटॉप में काफ़ी जबरदस्त फीचर्स देखने को मिल जाते हैं और आपको इनमें परफॉर्मेंस वाइज किसी तरह का कोई इश्यू देखने को नहीं मिलेगा। बस आपको इनके CPU, GPU, RAM एंड स्टोरेज में ही मेन डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। इसलिए गाइस मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लेनोवो के V15 लैपटॉप को बाय करें, क्योंकि आपको इसमें एक तो 512 GB की SSD स्टोरेज देखने को मिल जाएगी, जिससे आपको इसमें स्टोरेज कैपेसिटी के साथ किसी भी तरह के कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। और दूसरा, इसकी परफॉर्मेंस एसर के लैपटॉप से काफ़ी बेटर है। पर अगर कहीं आपका बजट कम है तो आप एसर के लैपटॉप को भी चूज़ कर सकते हैं, जो AMD के 7000 सीरीज के Ryzen 3 प्रोसेसर के साथ आता है। परफॉर्मेंस के मामले में ये लैपटॉप भी कम नहीं है। और प्राइस की बात करूँ तो एसर के लैपटॉप की कीमत है 33,000 रुपीज और वही लेनोवो के V15 लैपटॉप की कीमत है 38,000 रुपीज। और आप इन दोनों लैपटॉप को Amazon से परचेज कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इन दोनों लैपटॉप के बेस्ट बाय लिंक्स मिल जाएंगे। और अभी इन लैपटॉप पर कई सारे ऑफर्स भी चल रहे हैं, जिससे आपको 5-10% तक का डिस्काउंट भी मिल सकता है। और आप इन लैपटॉप को EMI पर भी बाय कर सकते हैं।